करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, एक अंकल जी को पीछे हम लोग ऐसे झांक झांक कर गए क्या कर रहा है ए? शी कौन है ये, क्या कर क्या रहा है ये, हे भाई हे भाई जय श्री राम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के एल्गोरिदम के बारे में, कि आखिर YouTube का एल्गोरिदम क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपने वीडियो को आगे तक ले जा सकते हैं, कैसे वीडियोस को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारी वीडियोस बूस्ट नहीं होती हैं और कैसे बाकी क्रिएटर्स की वीडियोस बूस्ट हो रही हैं। हर 10 वीडियो में से एक ना एक वीडियो उनकी निकल जाती है, या हो सकता है हर 10ों वीडियो निकलती है। तो क्या चल रहा है यूट्यूब पर, क्या लोचा है ये, क्या हम हरामखोर हैं कि हमारी वीडियो नहीं निकलती है? वो मूवी में पता नहीं क्या बोलता है, क्या मेरे सीने पर बटर चिकन लगा है क्या, अक्षय कुमार बोलता है शायद। तो ऐसा कुछ है क्या अपने साथ कि आखिर क्यों हम हमारी वीडियोस नहीं निकलती हैं और बाकी क्रिएटर्स की वीडियोस निकलती हैं? तो आज के इस वीडियो में यही बात होने वाली है। दोस्त देखिए, YouTube पे आजकल इतना ख़तरनाक हो गया है कि आप कैसी भी वीडियो बनाएं आपकी वीडियो नहीं चलेगी, और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो कैसी भी वीडियोस बना दें तो उनकी वीडियो चलेगी। क्या एल्गोरिदम है यूट्यूब का? आपको लगता है कि वाकई में कुछ एल्गोरिदम है, वाकई में कुछ एल्गोरिदम नाम की चीज़ जीवित है इस पृथ्वी पे यूट्यूब के लिए, कि यूट्यूब हमारे साथ वीडियो नहीं निकालता, मतलब गलत करता है और बाकी लोगों की वीडियो निकालता है आगे? क्यों? ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सोचो ना, हमारी दुश्मनी तो है नहीं यूट्यूब से कि हमारी वीडियोस नहीं निकल रही हैं, या बाकी क्रिएटर्स ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी दोस्ती है यूट्यूब से कि उनकी वीडियोस निकल रही हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यूट्यूब पर। ये जितने भी क्रिएटर्स आपकी वीडियो बना के भटका रहे हैं कि ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम ये वो, कुछ नहीं है एल्गोरिदम भाई। अगर एल्गोरिदम होता तो आप सोचो, आप डेली काम कर रहे हो, डेली काम करके वीडियो अपलोड करके कैसे नहीं वीडियो आगे जा रही है? बाकी के लोग जो नए नए आ रहे हैं, एक दो वीडियो, 10 वीडियो 20 वीडियो अपलोड करते हैं, माय फर्स्ट व्लॉग अपलोड करते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं। एल्गोरिदम होता तो उनको क्यों व्यूज़ आते? आप सोचो, इतनी सारी वीडियोज़ आप अगर इस चैनल को जाके देखेंगे, कितनी सारी 350 के ऊपर वीडियोस हो गई हैं, 6-7 महीने से लगातार काम हो रहा है इस चैनल पे। एल्गोरिदम होता तो आगे नहीं निकलती वीडियोस। कैसे? कुछ एल्गोरिदम नहीं होता है यार, सारी बातें फेक हैं और सब कुछ बकवास है, सारी बात बिल्कुल महा बकवास है। कुछ एल्गोरिदम नाम की चीज़ नहीं होती है। आज कोई भी क्रिएटर वीडियो बना रहा है ना, तो उसको देख के बाकी के सारे लोग वीडियोज़ बनाने लग रहे हैं। कुछ एल्गोरिदम नहीं होता है यार। और मैं तो यही सोचता हूँ कि यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो के ऐसे इतनी बड़ी, मतलब गलती, या फिर वो इसको हरामखोरी बोल लो, क्यों करता है समझ में नहीं आता है। अगर YouTube का प्लेटफॉर्म है, मैं अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस आए, भाई ऑडियंस जब आई है उसको पुश दो ना यार। काम कर रहे हैं वो लोग, काम कर रहे हैं, उसको आप पुश नहीं दे रहे हो, तो अगर उसको सिक्योरिटी नहीं लगेगी तो वो कैसे काम करेगा? अगर वो सिक्योर रहेगा, उसको देख के बाकी के लोग आएंगे। जितने भी पुराने चैनल्स हैं आप देखिए, कई चैनल्स इनसिक्योर हैं, अरे यार व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे यार अभी आ रहे हैं आगे नहीं आएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? YouTube का अगर एल्गोरिदम होता तो YouTube ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों करता है ऐसा? उसको तो चाहिए ना भाई, मैं कोई प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, आप कोई प्लेटफॉर्म बनाओगे तो आपको चाहिए पड़ेगा, मुझको चाहिए पड़ेगा कि जो कुछ जो कोई मेरे पास है आगे बढ़े वो, ताकि उसको देख के और लोग आएँ। लेकिन YouTube ऐसा लगता है पीछे धकेलता है क्रिएटर्स को, क्यों ऐसा करता है? आप सोचो, समझ में नहीं आता है मुझको ये बात, ये मतलब मेरे दिमाग में कितने दिन से क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मुझको मिल ही नहीं पा रहा है। एक जवाब ये हो सकता है कि शायद YouTube को अब हमारी ज़रूरत नहीं है, या क्रिएटर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, तो क्या YouTube को ज़रूरत नहीं है? ऐसा कुछ है क्या? लेकिन शादी थोड़ी है यार कि एक बार करके दोबारा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो जितने लोग आएंगे उतना फ़ायदा है। शादी का मानता हूँ कि एक बार शादी हो गई तो हम दोबारा नहीं कर सकते, रिजर्व फॉर दिस लाइफ, अगले जीवन में अब मैं शादी करूंगा आपसे, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है ना। जितने क्रिएटर्स आएंगे उतना फ़ायदा होगा यूट्यूब का। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है यूट्यूब इतना, कि ऐसा क्यों करता है, क्यों धक्का नहीं दे रहा है? समझ में कुछ नहीं होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम दोस्त। आज अभी 2022 लग गया है, 2017 में मैं देखता था किसी के चैनल पे केवल 20 वीडियोस अपलोड होती थी, केवल 20, और 20 से 25 वीडियोस में 100 के सब्सक्राइबर्स रहते थे। आज 2022 में ऐसा समय आ गया है कि आज चैनल पे 300 400 500 वीडियोस रहती है। सब्सक्राइबर्स कितने? 1000 2000, किसी के अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो 5000, किसी किसी के रहते हैं लाखों में, लेकिन कई, अब आप मेरा चैनल अगर आप देखेंगे तो केवल 5000, 350 के आसपास वीडियोज़ हुई हैं। आप बताइए
ऐसा हो गया है, पहले अगर 300 वीडियो आप अपलोड करें 2017 में, 300 वीडियो अगर आपके चैनल पे है ना, वीडियो नहीं 300 तो वीडियोस होंगी, 300 वीडियोस अगर आपके चैनल पे रहेंगी तो आपका चैनल 1 मिलियन के पार रहता, उस समय की बात है। लेकिन अभी समझ के बाहर है, क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा, समझ ही में नहीं आता है कुछ भी। यूट्यूब बर्बाद हो गया है, मतलब यूट्यूब क्या बर्बाद हुआ है, हम लोग बर्बाद हो गए हैं यूट्यूब पे आके। आपको क्या लगता है, वाकई में यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम है क्या, आप नीचे कमेंट करके मुझको बताइए। और आज के समय में मैं फिर से आपको बोलूँगा, देखो आज अभी कितने क्रिएटर्स जो एक एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, आने वाला समय ऐसा होगा ना कि 5-5 वीडियोस, 10-10 वीडियोस अपलोड होंगी एक एक दिन में, उसके बाद भी चैनल ग्रो नहीं होगा, आप देखिएगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अगर सहमत है मेरी बातों से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या आपके विचार हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेके, तो उसको भी थोड़ा कमेंट कीजिए। और अगर बात करना है तो इंस्टाग्राम में DM कीजिए, थोड़ा इस रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, हो सकता है नॉलेज शेयर करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। एक अंकल जी को पीछे कई लोग परेशान हैं, क्या कर रहा है ये, ऐसे कैमरा लेके कहाँ जा रहा है, क्या बात कर रहा है, ऐसे झांक झांक देख रहे ठीक है जी, आप प्लीज़ मुझको कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, मिलो मिलो श्री सीताराम। ऐसे देखें क्या कर रहा है, हे शी कौन है ये, क्या कर क्या रहा है ये, हे भाई